फायदा है इस तरह का, ये आप मतलब बता सकते हैं? ये दोनों आपत्ति नैनो यूरिया, क्योंकि अभी किसान लोग इतना यूज नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि इसका तो ये कम से कम डेढ़ से दो साल के आसपास में हुआ है ना। और ये बोतल है आपका 500 ml का है ना, ये एक बोरा यूरिया के बराबर, जो दानेदार यूरिया आता है वो एक बोरा 45 kg का आता है, वो उसके बराबर है एक बोतल 500 ml, ठीक है। ये आपका एक एकड़ में हो जाएगा, और इसको हम स्प्रे करेंगे पौधा में, जब इस पौधा का स्टेज एक मंथ का हो जाए उसके बाद में 4 से 5 ml पर लीटर पानी में यूज करके इसका स्प्रे करेंगे, ठीक है। वो सब्जी हो गया, धान हो गया, ये सब में यूज करेंगे, और उसका हरापन जो रहता है उसका ग्रोथ बढ़ाता है ये यूरिया, ठीक है। तो वो वाला यूरिया जो दाना वाला आता है 45 kg वाला जो पैकेट आप बता रहे हैं, उसके कम्पिटिव में इसमें क्या फायदा है? इससे फायदा ये है कि वो जो दानेदार यूरिया है वो मिट्टी को प्रभावित करता है, जलवायु को प्रभावित करता है, उसका जो उससे आप खाते हैं मतलब सब्जी, तो अभी हेल्थ पे भी असर करता है, ठीक है। उसका इसका इसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं, ना ये मिट्टी को प्रभावित करता है, ना जलवायु, ना पानी, सब कुछ नहीं, ठीक है। ये इसमें रासायनिक बहुत ही कम मात्रा में इसमें मिला हुआ है, ये एक तरह से देखा जाए तो जैविक इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और ये है नैनो DAP, ये भी एक बोरा के बराबर है, और इसका हम स्प्रे सेम प्रोसेस कर सकते हैं, और इसका सीड ट्रीटमेंट और रूट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। DAP से बीज उपचार कर सकते हैं, इससे नहीं कर सकते। पीछे में वहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे टमाटर का, और ये टमाटर का स्प्रे। बीज उपचार कैसे करते हैं थोड़ा बताइए? 5 ml/L पानी में करके आप मटर हो या चना हो, गेहूँ हो, आलू हो, उसको आप धान को भी आप कर सकते हैं, बीजा को आप एक लीटर पानी ले, जैसा आपके पास में बीजा हो वो हिसाब से पानी ले, पर ml 5 ml/L पानी में दे के उसको अच्छी तरह से भिंगो ले, और उसको भिंगोने के बाद 20 से 25 मिनट तक छोड़ दें, उसके बाद फिर उसे निकाल के छाया में रखें, उसके बाद फिर बुआई कर दें। तो जैसे वो वाला यूरिया जो आता है 45 kg का, तो उसका दाम लगभग जो गवर्नमेंट रेट है 263 या 267 कुछ है, 300 के हाँ, मतलब जो गवर्नमेंट रेट उसमें आता है, तो इसका वो कितने एरिया पे ले लेता है और ये कितने एरिया पे इसका कॉस्ट में हो जाएगा? ये एकड़ में क्या कॉस्ट है इसका? कॉस्ट 225 रुपया। और वो कितने एक बड़ा आपका? ये 300 के आसपास में, ठीक है। और इसे आप दुकान में लेने जाएंगे तो आपको 400 के आसपास में पड़ेगा। वो कितने एकड़ पे आएगा? वो भी एक एकड़ में आ जाएगा। तो ये मतलब जल्दी डिसॉल्व है, स्प्रे होता है इसका? हाँ, स्प्रे है, इसको डायरेक्ट फसल में ही आप स्प्रे कर सकते हैं, और उसको आप तो जो छींटते हैं वो तो मिट्टी में भी जाता है, मिट्टी में जाता है वो, और वो फसल बहुत कम ही ले पाता है, ठीक है। ये इसलिए इसको डायरेक्ट स्प्रे करना।